के जमीन कोनो विशेष समुदाय के आवंटन करे के मामला ला लेके सर्व हिंदू समाज के लोगन मन ह कलेक्ट्रेट पहुंची से और कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपी से। दरअसल हिंदू समाज के लोगन मन ला जानकारी मिले रही से कि ये जमीन ला कोनो एक विशेष समुदाय ला बांटे के तैयारी में रही से, जेकर बाद कलेक्टर हा ये मामला ला संज्ञान में ली से और पूरा मामला के जाँच बात कही से। सर्व हिंदू समाज हा अपन पक्ष रखे बर जिंदल ग्रुप और वक्फ बोर्ड के मामला में सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के हवाला दे से। तो राजनांदगांव के जो जागरूक हिंदू समाज है, सनातन धर्म रक्षार्थ समिति है, उन लोगों ने संज्ञान लेते हुए आम जनता तक अपनी बात पहुंचाई और शासन की जो गलत मंशा है किसी एक धर्म संप्रदाय को लाभ पहुंचाने की, उस मंशा को हमने समझा और अपनी पूरी बात को विरोध स्वरूप आज कलेक्टर साहब के पास हम पहुंचे। हमने अपनी आपत्ति हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्ज कराई है। आज कलेक्टर महोदय से बात हुई, कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा हमारा सर्व हिंदू समाज और सनातन धर्म रक्षा समिति से के द्वारा यही अनुरोध रहा है कि अभी बीच में जून माह में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, उसके निर्देशों का पालन करते हुए वक्फ बोर्ड का जो निर्णय हुआ है वहाँ पर उसी के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए और शासन और शासन और कलेक्टर महोदय से यही आदेश है कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी फिलहाल में जून माह धमतरी के 10 करोड़ के जमीन कोनो विशेष समुदाय के आवंटन करे के मामला ला लेके सर्व हिंदू समाज के लोगन मन हा कलेक्ट्रेट पहुंची से और कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपी से। दरअसल हिंदू समाज के लोगन मन ला जानकारी मिले रही से कि ये जमीन ला कोनो एक विशेष समुदाय ला बांटे के तैयारी में रही से, जेकर बाद कलेक्टर हा ये मामला ला संज्ञान में ली से और पूरा मामला के जाँच बात कही से। सर्व हिंदू समाज हा अपन पक्ष रखे बर जिंदल ग्रुप और वक्फ बोर्ड के मामला में सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के हवाला दे से। तो राजनांदगांव के जो जागरूक हिंदू समाज है, सनातन धर्म रक्षार्थ समिति है, उन लोगों ने संज्ञान लेते हुए आम जनता तक अपनी बात पहुंचाई और शासन की जो गलत मंशा है किसी एक धर्म संप्रदाय को लाभ पहुंचाने की, उस मंशा को हमने समझा और अपनी पूरी बात को विरोध स्वरूप आज कलेक्टर साहब के पास हम पहुँचे। हमने अपनी आपत्ति हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्ज कराई है। आज कलेक्टर महोदय से बात हुई, कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा हमारा सर्व हिंदू समाज और सनातन धर्म रक्षा समिति से के द्वारा यही अनुरोध रहा है कि अभी बीच में जून माह में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, उसके निर्देशों का पालन करते हुए वक्फ बोर्ड का जो निर्णय हुआ है वहाँ पर उसी के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए और शासन और शासन और कलेक्टर महोदय से यही आदेश है कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी फिलहाल में जून माह धमतरी के